लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं कब होंगी, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का 7 जून हम आपको एक आर्टिकल बता रहे हैं, उससे उसमें छपी एक खबर के हवाले से हम आपको ये दे रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र 2020-21 में यूजी और पीजी कक्षाओं के प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि में विस्तार करने का फैसला लिया गया है। अब यहाँ 30 जून तक आवेदन लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय ने इंटरमीडिएट की परीक्षा के नतीजों के घोषित होने में समय लगने से ये फैसला लिया है। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने बताया कि प्रवेश के लिए 30 जून तक आवेदन लिए जाएंगे, इसके बाद जुलाई में प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाके आवेदन कर सकते हैं। यूपी बोर्ड के नतीजे जून के अंतिम सप्ताह में यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के परीक्षा के नतीजे जून के अंतिम सप्ताह में घोषित होने की उम्मीद है। CBSE और ICSE के अभी एग्जाम अभी कुछ पेपर बाकी हैं, वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय ने खुद भी अभी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं करा सका है। तो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जुलाई में प्रस्तावित हैं। जानकारी की माने तो परीक्षा में देरी और नतीजे फंसे होने से आवेदन पर भी असर पड़ना तय है। एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, इसको लेके प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने ये बात कही है कि प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम जो है वो जुलाई में करवाई जाएगी। जी हाँ, प्रवेश परीक्षा जो आपकी है वो जुलाई में करवाई जाएगी। जुलाई में क्यों करवाई जाएगी, क्योंकि अभी तो उनका आवेदन प्रक्रिया ही चल रही है। जब आवेदन प्रक्रिया ख़त्म हो पाएगी तो उसके बाद ही प्रवेश परीक्षा के बारे में सोचा जाएगा। प्रवेश परीक्षा तय है कि जुलाई में होगी और काउंसलिंग वगैरह जुलाई से अगस्त के पीरियड में होगी। इसके दौरान सितंबर से क्लासेस चालू होने का जो UGC की गाइडलाइन है उसके अनुसार उसका प्रावधान है। तो फिलहाल आज के लिए इतनी जानकारी। बनाए रखिए अपना द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। धन्यवाद।